3 वर्षाच्या खडतर प्रशिक्षणानंतर पुण्यातील राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमधील कॅडेट्सची 130वी तुकडी भारतीय लष्कराच्या सेवेत दाखल झाली आहे. 300 कॅडेट्सची पासिंग आउट परेड एनडीएमध्ये सदर कमांडचे प्रमुख बिपिन रावत यांच्या उपस्थितीत मोठ्या उत्साहात पार पडली. 3 वर्षांच्या खडतर प्रशिक्षणानंतर पुण्यातल्या राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमधील 130 कॅडेट्सची तुकडी भारतीय लष्कराच्या सेवेत दाखल झाली आहे. या कॅडेट्सची शानदार पासिंग आउट परेड एनडीएमध्ये संपन्न झाली. एनडीए सदन कमांडचे प्रमुख बिपिन रावत यांना या कॅडेट्सनी सलामी दिली. सकाळी 6 वाजता या परेडला सुरुवात झाली. प्रमुख पाहुण्यांनी कॅडेट्सची मानवंदना स्वीकारली. यावर्षी सुवर्णपदक विजेता अविनाश चेट्टी, रौप्यपदक विजेता यावर्षी बेस्ट कॅडेट म्हणून सुवर्णपदक अविनाश चेट्टीला मिळालंय. रौप्यपदकाचा मानकरी उत्कर्ष पांडे ठरलाय, तर कांस्यपदकाचा मानकरी नमन भट हा ठरलाय. या सर्व कॅडेट्सना बिपिन रावत यांच्या हस्ते पदकं देऊन गौरविण्यात आलं. रावत यांनी देशासाठी लढण्यासाठी या कॅडेट्सना प्रोत्साहन दिलं. मानवंदना दिल्यानंतर सारंग हेलिकॉप्टरनं चित्तथरारक प्रात्यक्षिका सादर करून उपस्थितांची मनं जिंकली. सुवर्णपदक मिळाल्यानं आपल्याला आनंद झाला असून इंडियाच्या खडतर प्रशिक्षणानं आपल्याला खूप काही शिकायला मिळाल्याची भावना सुवर्णपदक विजेता अविनाश चेट्टी यांनी व्यक्त केली. आज का दिन मेरे लिए मैं बहुत खुश हूँ आज के लिए, क्योंकि आज इस नेशनल डिफेंस अकेडमी की पासिंग आउट परेड को कमांड करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है. और उससे भी ज़्यादा जो मेरे लिए मायने रखता है, जो मेरे माता पिता के आँखों में जो मेरे लिए जो वो प्राइड जो उनकी आँखों में मैंने देखा आज जब मैं पासिंग आउट परेड को कमांड कर रहा था, वो मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है. इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ इस अकेडमी में जितने भी मेरे सर्विस इंस्ट्रक्टर्स जिन्होंने मुझे आर्मी की जो बेसिक ट्रेनिंग जो मुझे दी पिछले 3 साल में. साथ ही मैं अपने स्कूल जहाँ से मैं स्कूलिंग की थी, राष्ट्रीय नन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, वहाँ के सारे टीचर्स और वहाँ के इंस्ट्रक्टर्स का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे अपनी वहाँ जिस स्कूल की वजह से मैं मोटिवेट हुआ एनडीए आने के लिए. एनडीए के मेरे पिछले 3 साल बहुत ही अच्छे थे, बहुत यादगार रहेंगे. हमेशा देर वर टफ टाइम्स, बट एज वी नो टफ टाइम्स डोंट लास्ट बट टफ मैन डू. 3 साल मुझे मेरी ज़िंदगी के सबसे यादगार साल रहेंगे. और इन 3 सालों में मैंने जो सीखा है, ये अभी तो बस शुरुआत है, आगे बहुत आगे बढ़ना है अभी तो. और आगे आने वाले सालों में मैं यकीन दिलाता हूँ कि हम लोग जो आज मेरे 315 कोचमेट्स हम जो आज पासिंग आउट परेड में अंतिम पक्ष से निकले हैं, हम इस देश को अपनी जी जान लगा देंगे इस देश की रक्षा करने में. और हमेशा देशाच्या संरक्षणासाठी एनडीएमधून पासआउट झालेले कॅडेट्स आता लवकरच देशाच्या संरक्षणासाठी सीमेवर सज्ज होणार आहेत. उपस्थित सर्वांनी त्यांना पुढच्या आयुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. पुणे मेट्रोसाठी प्रतिनिधी रोहन गवळी, ब्युरो रिपोर्ट, जीवन न्यूज, महानगराची लाईफलाईन, पुणे.